हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी सिंगर से। सो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो आज गाइस हम कुछ आप लोगों से शेयर करने आए हैं बातें। और सबसे पहले आप लोग जो लोग नए लोग हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें गाइस। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा मेरे पास फेशियल किट। तो आज हम फेशियल किट के बारे में बताएंगे कुछ आप लोगों को। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छा ही बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके लिए बेस्ट है कि आज हम कुछ फेशियल किट के बारे में बताएंगे। तो मेरे हाथ में है फेशियल किट, है ये है आस्था बेरी का वाइन फेशियल किट। तो ये आस्था बेरी का वाइन फेशियल किट है, तो इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे आप लोगों से। मैं सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, इसमें है पांच स्टेप, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये है, इसमें क्लिंजिंग नहीं दिया है। ये है फर्स्ट में है स्क्रब है, सेकेंड में है जेल है, थर्ड में है क्रीम है यानी मसाज क्रीम है, और फोर्थ में है मास्क यानी पैक, ठीक है, और ये फाइव में है सीरम। सो सबसे पहले हम क्लिंजिंग करते हैं। ये तो सब लोगों को पता ही है, सबसे पहले फर्स्ट क्लिंजिंग। जैसे कि इसमें क्लिंजिंग नहीं दिया है तो फर्स्ट स्क्रब होगा, सेकंड जेल होगा, थर्ड क्रीम होगा, फोर्थ मास्क होगा, फाइव ये सीरम होगा, ठीक है। तो गाइस मेरे पास वैसे बहुत सारे किट है, बस इसी किट के बारे में हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं। कुछ इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट लगा इसलिए। तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, हम लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसका प्राइस आपका कितना है? इसका प्राइस है गाइस 750, ज़्यादा नहीं है। देखिए इसका प्राइस है 750। सो हम लोग बहुत का होता है कि जैसे कि ये सब फेशियल किट वाइन हो गया, चारकोल, ये सब फेशियल किट बहुत महंगा आता है, तो हम लोग नॉर्मल है तो हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। और इसमें है कि है अपना खरीद सकते हैं। तो और ख़रीदने के बाद है, ये नहीं बहुत छोटा है, इतने बड़े डब्बा है, तो इसमें तो हम बहुत यूज कर लिए हैं गाइस। इसमें थोड़ा ही बचा हुआ है, फिर भी है इतना। तो इस किट के बारे में इसलिए हम बता रहे हैं गाइस कि एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, तो उनके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले, और था तो छोटा छोटा नहीं था, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत जख्म टाइप के था। वो हमेशा पहले वो कहीं और जगह, दूसरे जगह से रहते थे, अभी यहाँ पे रहते हैं 2 साल से। तो आई मेरे शॉप में, सबसे पहले बोली कि जो हर्बल प्रोडक्ट है उससे फेशियल कर दीजिए, जो मेरा स्किन देख लीजिए। तो आप लोगों की भी पता है गाइस कि कोई भी फेशियल लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्किन देखते हैं कि कौन सा इनका कैसा स्किन है, कौन सा स्किन है। तो सबसे पहले स्किन देखते हैं, तो उनका फेस ज़्यादा क्या बोले, नॉर्मल ही था, ऑयली नहीं बोलेंगे, नॉर्मल ही फेस है, ड्राई भी नहीं, नॉर्मल है। तो उनका नॉर्मल फेस है, तो हम बोले कि मैम आप इसको करके देखिए, आप में सूट करेगा। तो मेरी बात नहीं मान रही थी, तो बहुत रिक्वेस्ट किए तो मेरे बात मान लिए गाइज, और इसको हम कंटिन्यू 3 मंथ बुलाएं कंटिन्यू, और कुछ नहीं किए, बस 3 मंथ बुलाएं। ये फेशियल किट्स हम किए, उनका इतना बेस्ट रिजल्ट है, इतना बेस्ट रिजल्ट है, मतलब क्या बोले, पूरा पिंपल्स ही गायब हो गया गाइज। इतने बड़े बड़े पिंपल्स था ना, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स था, एकदम पिंपल्स ही गायब। तो वो मैम आ आती हैं मेरे पास पर मंथ, हाँ फेशियल लेते हैं, और जब भी लेते हैं तो इसी का लेते हैं, आस्था बेरी का। तो मैम तो बहुत खुश हो गए हैं, उनका फेशियल बहुत अच्छा हुआ है। तो और गाइस सबसे पहले सब लोग बोलते हैं कि फेशियल करवाना नहीं चाहिए, फेशियल करवाने से
स्किन खराब हो जाता है, जो भी अपना जो जिसको समझ में आता है वो लोग बोलते हैं स्किन खराब हो जाता है, स्किन अच्छा है वो खराब हो जाएगा, स्किन में दाग हो जाएगा, स्किन पतला हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि फेशियल कराने से स्किन खराब हो जाता है या कुछ भी होता है। अगर जिन लोगों को डाउट है वो स्किन के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे, वो पर मंथ फेशियल लेंगे कि स्किन का है। जैसे कि हम लोग को हाथ पैर है गाइस, तो हम लोग हाथ पैर में ही तेल मालिश करते हैं। जैसे बाल है तो बाल में भी चंपी करते ही हम लोग, जैसे उस टाइप से मेरा स्किन है कि रोज़ हम लोग नहाते हैं और नहाने के बाद क्या करते हैं, क्रीम लगा ली है, चलो हो गया, रात में गए हैं फेस वॉश किए हैं। बहुत लोग तो ऐसे ही सो लेते हैं, फेस वॉश भी नहीं करते हैं, दिन भर ऐसी जैसा स्किन हो ऐसे ही सो लेते हैं। तो बहुत लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत, वो लोग फेस वॉश किए हैं और सो गए। तो स्किन को भी थोड़ा रिलीफ चाहिए होता है, स्किन भी थक जाता है, हम लोग क्रीम लगा करके उसको थका देते हैं। सो गाइस फेशियल कराना बहुत ज़रूरी होता है, और जो लोग नहीं कराते उन लोगों को तो नहीं पता क्या होता है, बट जो लोग कराते हैं ना उन लोगों से पूछिए फेशियल कराने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों कराना चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, हम बोलेंगे आप लोग भी कहीं भी है जो जहाँ है वहाँ पे जिसको जो सुविधा है लीजिए। और हाँ गाइस, ऐसा नहीं कि फेशियल करा ले रहे हैं तो कोई भी फेशियल करा लिए, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कराइए। और ऐसा पार्लर में जाइए कि वो आपका देख करके स्किन बताए कि हाँ आपका स्किन इस टाइप से है, आपका फेस में ये फेशियल जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत अभी पार्लर है, बहुत सारे पार्लर है कि हाँ फेशियल करवाना है, नहीं नहीं मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया कहीं फेशियल कर दीजिए। तो आजकल 100 रुपया में क्या आता है, 200 रुपया में क्या आता है, दिन भर में तो लोगों खाने वाला तो 1000-2000 का खा पी उड़ा देते हैं। तो क्या अपने ऊपर कम खा करके अपने ऊपर थोड़ा खर्च नहीं कर सकते हैं, फेशियल नहीं करा ले सकते हैं, फेशियल अच्छा ही ले लेंगे 100-200 रुपया में। अरे भाई हम लोग का तो काम है गाइस, कस्टमर आए तो लौट आए नहीं। बट सब लोग नहीं समझ पाते हैं कि हाँ जो फेशियल अच्छा ले रहे हैं तो अच्छा ले, नहीं 100 नॉर्मल वाला कर दीजिए ना, क्या होता है। ऐसे ही आते हैं मेरे क्लाइंट लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, नॉर्मल वाला जो सबसे सस्ता है ना वो वाला कर दीजिए, ठीक है कर देते हैं। हम तो कर देते हैं, बट आपका बस जो गंदगी है वो निकल गया और कोई फ़ायदा नहीं होता उस फेशियल से। जब ये फेशियल आप लोग घर में ना किया कीजिए, स्किन ख़राब होगा। और अगर करना है तो कोई भी अच्छे ही शॉप में जाके कराइए फेशियल, क्योंकि फेशियल करने का भी एक तरीका होता है, हर काम करने का तरीका होता है। तो सब लोग सोचते हैं अरे चलो ना थोड़ा क्रीम लेंगे, ऐसे घिस लेंगे, मेरा फेशियल कम्प्लीट, बट ऐसा नहीं है, फेशियल भी करने का तरीका होता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, आज का यहीं तक था, हमको कुछ बताना था इतना ही बताना था गाइज। सो आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।